है ट्रांसप्लांट 2024। अगर इस 2024 में आप है ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं, आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस तरह से हेयरलाइन अपना बनवाओगे तो कि आपका रिजल्ट नेचुरल लगे। पहले जो चलता था जब मैंने करवाया था तो उस टाइम जिगजैग चलता था मैंने करवाया था, तो आप मेरा देख सकते हैं कैसा रिजल्ट है, हेयरलाइन वगैरह मेरा कैसा आया है। और फिलहाल अभी 2024 में कैसा हेयरलाइन चल रहा है, डॉक्टर लोग क्या इम्प्रूव किए हैं कि आदमी जब करवाएगा इस हेयरलाइन को एकदम रिजल्ट नेचुरल आएगा, जो कि बहुत अच्छा आने वाला है रिजल्ट। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हो और आप वेट करते हो अपना हेयर ट्रांसप्लांट रिजल्ट का, जब 6 मंथ हो जाते हैं आपके हेयर ट्रांसप्लांट के, तब आप वेट करते हो कि आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसा आप वीडियो में देखते हो दूसरे का, मेरा या किसी भी यूट्यूबर का आप अगर देखते हो वीडियो, उनका आप वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हो, जैसे आप मेरा वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हो कि नहीं मैं भी ट्रांसप्लांट करूंगा तो मेरा भी रिजल्ट आएगा अच्छा, मेरा भी हेयरलाइन नेचुरल लगेगा। तो इस हेयरलाइन का क्या नाम है जो कि आप करवाओगे तो एकदम रिजल्ट आपका नेचुरल आने वाला है? तो दोस्तों इस हेयरलाइन का नाम है इंटरलॉकिंग हेयरलाइन। तो गाइस आप इस हेयरलाइन को अगर करवाते हैं देख सकते हैं एकदम आपस में जकड़ा हुआ है हेयरलाइन, जैसा कि आप इनका कंडीशन देख सकते हैं कैसा है। ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि आसाम के रहने वाले हैं, कुछ दिन पहले इनका मैंने वीडियो डाला था, और आप अगर मेरे पुराना सब्सक्राइबर है तो आप इसी तरह वीडियो देखते रहते हैं कि मैं अपलोड करते रहता हूँ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर बोलते हैं कि नहीं भाई आप मेरा वीडियो अपलोड कर सकते हो अपने चैनल पे, तो मैं उनका वीडियो डालता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो रही बात इनकी, ये आसाम से आए रांची हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो आप इनका हेयर लाइन देखो किस तरह से बनाया गया है, आपको एकदम नेचुरल लगेगा ये जब रिजल्ट आएगा इनका। इनका मैं हेड वॉश का भी आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो, जब इनका सर्जरी हो गया तब आप इनका हेयर लाइन देखो किस तरह से आपस में जकड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी में है। और ये जो डेंसिटी है बहुत ही बेस्ट एकदम डेंसिटी है, एकदम टॉप क्लास का डेंसिटी है, शुरू से लेकर आखिरी तक एकदम पूरा भर दिया गया है, और जो कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं आपको इनका 10 दिन का कंडीशन दिखाने वाला हूं जब इन्होंने अपना हेड वॉश करवा लिया। देखो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इनका कैसा दिख रहा था और अभी जब इनका हेड वॉश हो गया तो कैसा इनका लाइनिंग दिख रहा है। अगर आप 2024 में हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो इस हेयरलाइन को करवाना, बहुत ही प्यारा रिजल्ट आने वाला है, आपको कोई भी नहीं पकड़ पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। अगर आपका फ्रेंड टकला है, गंजा है, या आपका भाई टकला है या गंजा है जिनकी शादी वगैरह नहीं हो रही, इस वीडियो को उनको शेयर कर देना। अगर वो भी प्लानिंग कर रहे हैं हेयर ट्रांसप्लांट का तो उनको ये वीडियो से काफी मदद मिलेगी, वो भी अपना हेयर ट्रांसप्लांट को एकदम सक्सेसफुली नेचुरल करवा पाएंगे। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।